किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष की वय हो गई, उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था, दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था, खाने बैठ जाए तो फिर रुके ही नहीं। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वो अकेला ही खाता रहे। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो बड़ा विचित्र था, खाता जाए बीच बीच में कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। तो किसी ने कहा, तू दाने दाने नहीं, तू तो ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए, अब जो इतना खाए। एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है जितना खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। पर नहीं आई उनको बात समझ में। एक दिन निकाला, चलो यहां से निकलो, सरल सीधा आदमी चल दिया, लेकिन जाएं तो जाएं कहां, अब जहां भगवान ले जाएं वहां। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आया, लोगों ने कहा तू फिर लौट कर आ गया। बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ निकलो यहां से। चले, जा रहा था सीताराम सीताराम, बाहर कुछ दूर चला तो ऐसे ही मंदिर, मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला लिए, सीताराम सीताराम सीताराम। अब महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त, उसने देखा खाते पीते लगते हैं ये तो। तब तक उनके चेले निकले 2-4, वो भी सब, अरे वाह 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 वाह, यहां खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा जी से कहा, महाराज आप कौन हैं? हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा, महंत जी हो आप? हाँ। और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हमारे। अच्छा, क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं बस, यहां कोई काम काम कुछ नहीं, जो मन में आवे सो सेवा करो, बस आराम से रहो और राम राम करो, खाने पीने को कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा, खाओ पियो। रहने लगा, महाराज हमें चेला बना लो, बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बना लिया, अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश, खूब खाए। अब महात्मा जी से कहे, महाराज कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा बोले 5 पंगतें होती, तो हम 5ों में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है, खूब खावे, आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, न कोई हो, न हंडी, न कुछ। अब वो इधर उधर फिरे, जिधर देखे सोई वहां सीताराम 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 सीताराम, भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम सीताराम। गया गुरुजी के पास, गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे? का आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए, सचमुच आज भी एकादशी है। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णवों को तो व्रत करना चाहिए। अब तुम हमारे शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। बोला गुरुजी चेला और भी तो होंगे। हाँ हैं, तो उन सब से कराओ, हमसे न कराओ। तुमसे न कराए? हाँ गुरुजी। तो तुम इतने भूखे? गुरुजी अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे।
गुरु जी बोले अच्छा तो एक उपाय है, एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना लोगे भोजन? अरे बोला मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, और उससे कहा नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना तब पाना। आलू गुड़ घी राम रस आटा सब लेकर गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया कि भगवान का भोग लगाना, तो ऐसे ही कहने लगा कि देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूं। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे यहां लगा रहे हैं, आए नहीं। और उसको लगा कि आए नहीं तो गुरु जी क्या कहेंगे, हम भूखे रहेंगे। सो बोला आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। सुन लो महाराज, आचमनी अर्घा आरती यहाँ नहीं है। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगा, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। यहां तो यही है, रूखी रोटी पाओ नदी का पानी। नहीं आए भगवान। भक्त बोला हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होगे कि रूखी रोटियां और नदी का पानी और ये रूखा सूखा पानी कौन जाए, मंदिर में ठाट है हमारे। तो भक्त बोला कि मंदिर के धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा कि आज मंदिर में एकादशी है भूखे बैठे रहोगे इसलिए आ जाओ यहां, और जो यह कहा भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे, भगवान तुरंत प्रकट हो गए।
लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पित वाम भागम पाणव सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम बाम दिशि जानकी। श्री राम जी के संग सीता जी, और जो दो को देखा भगवान की भुवन मोहिनी छवि को देखकर आह्लादित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी फिर रोटियों को देखे, फिर भगवान ने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी बोल नहीं नहीं आप तो आराम से पाओ, जो होगा सो होगा। तो होगा क्या? गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही आएंगे भगवान, आप दो आए तो पूरी एकादशी नहीं, थोड़ी बहुत तो करा ही दोगे आप। लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, श्री सीताराम जी ने, वो भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला कि अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले हम तैयार रहें। अब अगली एकादशी आई, सो गुरुजी ने कहा कि बच्चा आज भी जाना ही पड़ेगा गुरुजी, और उपाय क्या है? ठीक है सामान दे, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी की कही थी वहां दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है, सामान बढ़वा दिया। अब गया, सामान लेकर गया, आहा भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण प्रकट हुए। बस, और जो इसने देखा तीनों को, प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा। भगवान ने कहा क्यों क्या हुआ? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा बात क्या? बोले कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, सो दो आ गए, दो का इंतजाम किया तो आज तीन आ गए। एक बात पूछे भगवान? हाँ पूछो। ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई है हमारे। भक्त बोला अच्छा भाई है, सगे भाई हैं? कैसे? लगे पगे दूर के? नहीं नहीं हमारे सगे सगे भाई हैं। अच्छा सगे हैं सो तो ठीक, लेकिन नाराज ना होना, एक बात कहें क्या? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का?
भगवान खिलखिलाकर हंसे। सीता भैया भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी को लगे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन बोला कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो, क्या बताएं, आप तो पाओ प्रसाद पाओ। तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बताओ। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। अंतर्ध्यान हो गया, बड़ा परेशान लौटा। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। महंत जी ने कहा आज जाओगे, बोले जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहां अलग परेशानी है। गुरु जी ने कहा वहां क्या परेशानी है, बोले आपके ठाकुर दिन पर हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, आवाज पता नहीं कितने आए, कम से कम 11 शेर आटा दो, और उसी के हिसाब से गुड़ आलू मिर्च मसाला राम रस घी। गुरु जी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, ये खा तो सकता नहीं, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, जाओ ले गया, पूरी गठरी सिर पे रख के ले गया, रख दी पेड़ के नीचे गठरी सामान। आज इसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं, नहीं बनाया। सोचने लगे पहले बुला के देख लो कितने हैं, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाई लगा पुकारने, राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है। भोग लगाई राजा राम आई है, सीता राम आई है, राम आया भोग लगाई। जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तोता छन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ, श्री सीताराम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, और जो इतनों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, जय हो आपकी, जय हो। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो, क्या मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो, क्या जब हमें मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को। भोजन मोते नहीं बनत बना, भोजन मोते नहीं बनत, भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिन न संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, बनत। ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुहे परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा,
और तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। इसलिए आप बनाओ, भगवान ने कहा बनाओ, भक्त नाराज है तो क्या करें। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत पूछते पूछ से आंजने चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर उधर शत्रु घन, चेले चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रु घन, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। अब भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न जी करावे, हनुमान जी चौका साफ करे, और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे किए, खोलो तो। सोला काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, बड़े बड़े सिद्ध संत, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज जो सुनी, अब इसने आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, सो माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। अब पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है, देखा पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा और सामने सामग्री रखी, आंसू। गुरुजी ने कहा कि बेटा भोजन नहीं बनाया, चरणों भले आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुई पर यहां एकादशी पूरी हो रही है,
अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, सब भगवान से बोला कि हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे, क्यों? हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, तुम्हारे गुरुदेव हैं तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, हम सरल को मिलते हैं। गुरु जी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान, का भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं, आप जाने सरल नहीं हो। गुरु जी रोने लगे, सरल तो नहीं थे तरल हो गए, आंसू बरसने लगे, और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हुए, गुरु जी ने दर्शन किया और गुरु जी ने एक ही बात कही कि हम सदा से सुनते आए कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द मैं ऐसे ही दोहराता हूं, सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहां सरलता है